अंजलि तुम पढ़ी लिखी हो के इन बातों में यकीन रखती हो, और ऐसे वक्त में जब दया भाभी खतरे में है किसी अनजान आदमी पे भरोसा कर लेना ठीक है क्या? तारक ये कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, ये महान बाबा है। इन्होंने स्वयं दो दो बार पुलिस को सामने से अपनी तलाशी दी थी। आम के पत्ते कहाँ हैं? नहीं समझ है ना माधव भाभी, वो ना हमें कितनी शर्म आ रही थी इतने बड़े बाबा की तलाशी। अरे मैं तो कहती हूँ घोर कलयुग है। कि कलयुग है इसीलिए कह रहा हूँ। पापा रेडी हो गए? बाबा रेडी है भाई। सॉरी बाबा, हम सब यहाँ पे आ गए हैं, आप शांति मंत्र शुरू कर सकते हैं। रखो बालिका, सब लोग आ गए हैं लेकिन वो नहीं आई। कौन नहीं आई है? श्रद्धा। बाबा श्रद्धा तो बारगाव गई है। मेरा मतलब है विश्वास। अपन श्रद्धा और विश्वास दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, दोनों साथ में बारगाव गए। मेरा मतलब है कि मन की श्रद्धा पुत्री, मन का विश्वास। छोटी समझा? और जहाँ पर श्रद्धा ना हो, विश्वास ना हो मन का, हा? वहाँ पर हम एक पल भी नहीं रुक सकते। जीवन में प्रथम बार हमारा घोर अपमान हुआ है, हम जिसे कदाचित सहन नहीं करेंगे। बालिकाएं चलो। एक मिनट। पापा देखिए आप ऐसे नाराज झुके नहीं जा सकते। इसे समझाइए, श्रद्धा विश्वास क्या होता है, इसे समझाइए। वो श्रद्धा है जी, और मेहता साहब को घोर श्रद्धा है जी। बाबा जी आप आराम से बैठो। बाबा प्लीज आपसे विनती है, शांति मंत्र कैंसिल मत कीजिए। हाँ बाबा इन्हें क्षमा कर दीजिए प्लीज। अरे बाबा इनकी अर्धांगिनी होने के नाते मैं आपसे इनकी ओर से क्षमा मांगती हूँ। अरे पर प्लीज मत जाइए। और बाबा क्या कि ये मेहता साहब लेखक है, और लेखक का काम तो है सोचना, तो ये कुछ भी सोचते रहते हैं, इनकी बात का बुरा मत मानिए प्लीज। लेकिन अच्छा सोचेंगे तो अच्छा लिखेंगे ना। जेठालाल देखो मेरी बात समझने की कोशिश। मेहता साहब आप कौन हो? भाई मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए मैं कौन हूँ। लेखक तो नहीं, वो तो है लेकिन वो मेरा फायर ब्रिगेड भी है। पर फायर ब्रिगेड का काम क्या होता है? आग बुझाना। अब इधर आग लगा रहे हो। जेठालाल मैंने कौन सी आग लगाई? मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा अभी निकलने को तैयार हो गए, जरा सॉरी बोल तो खत्म करो ना बात यार। इधर शांति मंत्र रुका हुआ है प्लीज। हाँ सॉरी बोल दीजिए ना बाबा, मेरा मंतव्य आपका अपमान करना कतई नहीं है। आप शांति मंत्र का जाप करें कृपया। दिख रहा है थोड़ी सी शंका अभी भी है कुछ। अरे निकाल दो ना भाई, जो भी है सब खाली कर दो जेब। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ इतने सारे लोगों की श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न हो वहाँ थोड़ी बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। आपको भी श्रद्धा विश्वास करना पड़ेगा बेटा। तो अभी हम शांति मंत्र का प्रारंभ करेंगे। क्या बात? एक मिनट। बाबा मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। बरसों से मेरे जीवन में भी एक संकट चल रहा है। शादी का संकट? देखो बाबा आपको पता है आप अंतर्यामी हो। बाबा प्लीज बता दीजिए मेरी शादी कब होगी। अरे भाई क्यों करनी है शादी? बिल्कुल ठीक। मेरा मतलब है पुत्र, जब वक्त आएगा तो शादी हो जाती है। वो अंदाजन जरा आप ऐसे बता पाएंगे कि वो वक्त मेरे जीवन में कब आएगा? जल्दी क्या है? अरे भाई पोपटलाल अभी यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी का शांति मंत्र होने जा रहा है, वो पहले हो जाने दो, फिर अपने लिए आप अलग से करवा लेना। जो भी पूछना पूछ लेना बाबा को बाद में। अरे देखो पोपटलाल। अरे समझ गया आती भाई, बड़े मास्टर ने ये कहने की कोशिश कर रहा था। समझ गया, मैं भी समझ गया। तुम भी समझ गए? बाबा आप ये गोकुलधाम सोसाइटी के लिए शांति मंत्र आप कर लीजिए, लेकिन बाद में मुझे अपने लिए एक प्राइवेट शांति मंत्र करवाना है, वो जरा याद रखिएगा। हाँ ठीक है भाई, ठीक है ओके। अब मेरा मतलब है उचित। बाबा एक संकट और है। अरे बस करो भाई। अरे आप लोग व्यक्तिगत समस्याओं में उलझे हुए हैं और मैं सार्वजनिक समस्या की बात कर रहा हूँ। शांत बाबा शांत। भाई छोटी तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना, अभी तुमको क्या प्रॉब्लम है? हाँ लेकिन बच्चे हो जाएंगे पुत्र। पर है उनको एक बच्चा तो है गोगी। हाँ तो फिर क्या समस्या है, एक है ना। अरे बच्चे यानी मैं टप्पू जेरा की बात कर रहा हूँ।
यार स्कूल का टाइम हो रहा है, मुझे उनको स्कूल लेने के लिए जाना है। ओ बाबा जी, और ये आपका शांति मंत्र कितनी देर में खत्म हो जाएगा जी? और शुरू करोगे तो खत्म होगा ना पही? पही? पुत्र, एकाग्र चित्तता के साथ सबको स्मरण करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ चलिए, अब शांति से एकाग्र चित्त होकर बाबा कहे वैसे शांति पाठ करते हैं। प्रारंभ करें? जी जी, करें शुरू? हाँ कीजिए कीजिए प्लीज। शोर? शोर मेरा मतलब है शोर नहीं कीजिए बीच में। पुत्री बीच में आओ, अपनी आंखें बंद कीजिए, प्रभु का स्मरण कीजिए, अपने कुल देवी का, कुल देवताओं का, सबका स्मरण कीजिए। तुम्हारे घर में और गोकुल धाम में जो थोड़ी बहुत शांति बची है वो तुम्हारे पिताश्री की वजह से, उनका आशीर्वाद लीजिए। बापूजी। बालिके अमृत दो, आम्रपत्र दो, तृण। पवित्र, किसी को गायत्री मंत्र आता है इधर? हाँ मुझे आता है जी, आता है। मन मन में बोलते रहो पुत्र, अच्छा रहता है, डबल फायदा होगा, मतलब दो गुना, और आप ज्यादा पवित्र हो, सारे मन के विकार दूर। बालिक है हे, किसी को महामृत्युंजय मंत्र आता है? हाँ मुझे। तो मन मन में पढ़िए, केले के अंदर लगा कर। जय गिरधारी। जय गिरधारी। जय गिरधारी। पुत्री अभी रिपीट नहीं करवाना था। बच्चों अपनी आंखें बंद कीजिए और ध्यान लगाकर अपना मुख पूर्व दिशा में कीजिए। अरे बाबा, पूर्व दिशा तो इस साइड है, आप रॉन्ग साइड देख रहे हैं। हमें ज्ञात है पुत्र, आप पूर्व दिशा में देखिए, हमें पश्चिम में ही देखना है। और जब मैंने पहले कहा था कि अपने नेत्र बंद कीजिए तो आपने खोले कैसे, मुझे कैसे देखा? यार भाई क्या कर रहे हैं आप? बबीता जी, यार क्या कर रहे हो? ओके सॉरी। विघ्न दूर करने के लिए छोटे छोटे विघ्न मत डालिए। जब कोई बड़ी समस्या का समाधान करना हो तो छोटे छोटी समस्याओं को भूल जाइए। अय्यर भाई सॉरी सर। आंखें बंद कीजिए और अपना मुख नहीं पूर्व की ओर नहीं दक्षिण की ओर कीजिए, और मैं उत्तर की ओर करूंगा। आंखें मत खोलना। देखो अगर किसी ने भी आंखें खोली तो जितना भी प्रयास किया है अभी तक वो सब निष्फल हो जाएगा। ये भाई नहीं बंद है। अब हम शांति मंत्र शुरू करते हैं, आंखें बंद रखिए। किसी को आप में से शांति मंत्र आता है? नहीं नहीं बाबा। चलो अच्छा है, किसी को भी नहीं आता? बहुत अच्छा है। ओम ओम दयाहु शांति अंतरिक्ष गुम शांति ही पृथ्वी शांति आप शांति योषधयः शांति बाम बाम बाम। मंत्र चालू है, आंखें मत खोलिएगा। बाम 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 युद्ध बाम वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वे गुं शांति शांति रेव शांति श्याम शांति रेधि। ओ हे
इस सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त हे दुख हरता हम सबका संकट हरो। अपने मन में आनंद महसूस कीजिए। शांति मंत्र संपन्न हुआ, आप लोग अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। अभी ऐसा कड़क आशीर्वाद दीजिए कि चड्डी गैंग वालों की हालत फुटबॉल जैसी हो जाए और जहां भी जाए उनको इतनी लात पड़े कि जिंदगी में कभी दोबारा किसी को किडनैप करने की कोशिश ना करे। चलो जी, हो गया शांति मंत्र, मैं चलता स्कूल। अभी प्रार्थना बाकी है मेरे दोस्त, मेरा मतलब है पुत्र। बैठो 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 बासुडी, बैठो। बालिकाओं प्रसाद वितरित कीजिए। प्रसाद? अभी प्रसाद? प्रसाद तो अंत में होता है ना। अरे प्रश्न पूछक पुत्र, भूखे भजन ना होए गोपाला। सही बात है। नहीं नहीं बाबा, मेरे कहने का मतलब ये था कि नहीं हमने क्या बोला था कि अभी थोड़ी शंका है मन में। हर साधु की अपनी विधि होती है, अपना विधान होता है, अपना तरीका होता है। मैं चाहे ये पहले करूं, मैं चाहे वो पहले करूं, मेरी मर्जी। क्षमा करें बाबा। बालिकाओं प्रसाद वितरित कीजिए जल्दी। बाबा सबको दे दिया। और नीचे जो देश के रक्षक खड़े हैं वो, उनका भी संकट दूर करो पुत्री। जाओ बालिकाओं देकर आओ, जाओ जाओ, आप बैठ जाइए। अभी आप सभी लोग प्रसाद ग्रहण कीजिए तन्मयता के साथ। प्रसाद? नहीं नहीं मैडम, हम ड्यूटी पर हैं, हम नहीं ले सकते। क्या आपके जीवन में कोई संकट नहीं? संकट तो बहुत है मैडम। इसीलिए तो कह रही हूँ खाइए, प्रसाद का अनादर नहीं करते। अब आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। खाओ। खा लीजिए। तो सभी बच्चों ने प्रसाद ग्रहण किया अपना अपना? जी जी हाँ, जी जी महाराज। हाँ बाबा। तो अब हम प्रार्थना करेंगे और ये हमारी पूजा का अंतिम पड़ाव होगा। जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी, संकट मोचन, जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी, दुख दूर कर, जय गिरधारी, दुखी दया बहन, जय गिरधारी, गढ़ा परिवार, जय गिरधारी, ना आए संकट इन पर, जय गिरधारी, गोकुल धाम वासी, जय गिरधारी, हमारे संकट दूर हो, जय गिरधारी, विश्व भूलो, जय गिरधारी, 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 जय गिरधारी। सभी के होश उड़ गए।
सभी बच्चे घर चले गए और सॉरी अंकल अभी तक हम लोग को लेने नहीं आए। कोई सोडी अंकल हमें भूल तो नहीं गए ना? कोई चड्डी कैग मारो ने सोडी अंकल को किडनैप तो नहीं कर लिया ना? ओए गोली क्या मारो? ओके शांत होगी शांत। गोली तुझे पता तो है ये भी सोडी अंकल जरा जोशीला है। अरे बच्चों हेलो सर। हेलो आप लोग अभी तक घर नहीं गए? ओ सर सोडी अंकल हमें लेने आने वाले। तो अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं सर। आप लोगों में से किसी के पास उनका नंबर है? फोन नंबर है लेकिन हमारे पास फोन नहीं है। मैं देता हूँ, लो बात करो। स्विच ऑफ आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ। हाँ। नहीं सर इट्स ओके, अगर सोडी अंकल नहीं आएंगे तो हम लोग ऑटो से चले जाएंगे सर। नहीं नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ टप्पू तुम लोगों के घर में बहुत टेंशन चल रहा है, चट्टी गैंग गवाई आई नो ऑल दैट। मैं आप लोगों को घर छोड़ देता हूँ, चलो मेरे साथ। ओके सर, थैंक यू सर। बॉस सब बेहोश हो गए, जल्दी देखो। सॉरी दया बहन, लाख समझाया हमने आपको पर आप ना माने, हमारा सुख चैन आपने उड़ा दिया। अगर हम आपको उड़ा ले जाएंगे निकाल लेकर आ रहा है। हरी अप। क्या बोलूं? देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सीधे घर जाना सीधे। हाँ यस सर। बाय सर। बाय। अरे ये पुलिस अंकल सो रहे हैं। चल चल।
अरे अब्दुल भाई की दुकान बंद है? हाँ, रमजान का महीना चल रहा है ना, तो शायद नमाज पढ़ने गए होंगे। पुलिस अंकल। अरे गोगी सोने देना यार, दिन रात ड्यूटी करके थक गए होंगे ना। हाँ। चलो चलते हैं। हाँ, हाँ, चल चल। सारे पुलिस अंकल एक साथ कैसे सो गए? जरूर कुछ गड़बड़ है। सभी पुलिस अंकल एक साथ सोए नहीं, लगता है बेहोश हो गए एक साथ। वाह क्या दोस्ती है, सब काम एक साथ करते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। गुगी शट अप। टप्पू अब क्या करे? अरे अरे क्या कर रहा है टप्पू? क्या हुआ कदम अंकल? क्या हुआ अंकल? तुम्हारे घर एक बाबा आया था, उसने हमें प्रसाद खिलाया और उसके बाद ओह माय गॉड दया बिन में किडनैपर्स। यस कदम। सर यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया सर। कहीं दया बहन? यस सर। ओह नो कदम, इतनी बड़ी लापरवाही। आई एम सॉरी सर। कदम तुम वही रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। ओके सर। हेलो कंट्रोल रूम, पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो और खास करके गोरेगांव ईस्ट में। किडनैपर साधु का भेष बदल कर दया बहन को किडनैप करके ले गए। ओके ड्राइवर चलो गोकुलधाम जल्दी। पापा दादाजी। हाँ पापा उठिए। पापा मम्मा उठो, पापा उठो। रोशन आंटी उठिए। अंजलि आंटी। पापा उठो। क्या हो गया था मुझे? अरे क्या? सॉरी बापू जी, पता नहीं कैसे अचानक नींद आ गई। अरे मुझे क्या, मुझे भी नींद आ गई। हाँ मेरे को भी। नींद तो मुझे भी आई। मैंने भी। मुझे भी। मुझे भी बहुत गहरी नींद आई थी। चलो एक साथ सबको। सब क्या है भाई? क्या हो गया? देखिए आपको नींद नहीं आई थी, आप प्रसाद खाकर बेहोश हो गए थे। अरे वो पापा का सुनिए, प्लीज मेरी बात सुनिए प्लीज। साधु के भेष में किडनैपर्स आए थे, उन्होंने दया बहन को किडनैप करके ले गए। क्या?
होता है? अरे वो ढोंगी बाबा हम लोगों को बेहोश करके दया भाभी को किडनैप करके चला गया। अरे यार ये तो हम लोगों के लिए शर्म की बात है। अरे वो चट्टी गैंग वाले एक बार हमारे हाथ लग जाए तो मैं इनको मार मार के पूरा पंचर कर दूंगा यार। भाई सोडी गुस्सा मत कर, अभी शांत हो जा। अरे मैं तो साहब कैसे शांत रखूं दिमाग। अरे इंस्पेक्टर साहब दया भाभी किडनैप हो गई, आप क्या कर रहे थे? ये तो गलत बात है। सॉरी, एक्चुअली हम लोग भी प्रसाद खाकर बेहोश हो गए थे। प्रसाद खाने आए आप? देखो आप बेहोश हो गए थे। जेठालाल, जेठालाल कुछ बोलो। जेठा जी, पापा। जेठालाल, बेटिया। मेरी दया किडनैप हो गई, कहाँ लेके गए होंगे मेरी दया को? और आप लोग खड़े क्यों हो? कहाँ है मेरी दया? ढूंढिए मेरी दया को, मैं चट्टी गंग को छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल, जेठालाल देखो शांत हो जाओ, कंट्रोल करो। कंट्रोल नहीं मेहता साहब, अभी बात कंट्रोल के बाहर जा चुकी है। अभी कंट्रोल नहीं, अभी अभी पेट्रोल। मैं पेट्रोल की बारिश बरसाऊंगा चट्टी गंग के ऊपर, बारिश बरसाऊंगा। जेठालाल, अरे जेठालाल क्या हो गया तुम्हें भाई, क्या बोल रहे हो? शांत हो जाओ। नहीं मैं शांत नहीं होऊंगा। अरे शांति रख जेठिया, शांति रख, शांत हो जा। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है, हमें शांति से सोचना है कि अभी आगे क्या करना है। सही बात है जेठा भाई। जेठालाल होश में आओ, इस वक्त हमें समझदारी से काम लेना है। क्या क्या समझदारी से क्या काम ले बताइए मेहता साहब। जेठालाल किडनैपर्स दया भाभी को ले गए तो हमें फोन जरूर करेंगे, हमें उनके फोन का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मेहता साहब फोन तो स्विच ऑफ है ना। तब फोन चालू करो। हे भगवान, अनजाने में हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई और आज हमारी वजह से दया भाभी किडनैप हो गई। देखो जो हो गया सो हो गया, अब रोने से कोई फायदा नहीं है और रोने से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होगा। अरे किसको मालूम था कि वो बाबा फ्रॉड निकलेगा, देखो ना हम लोग भी उसकी बातों में आ गए। और तो और हमारे पुलिस वाले लोग भी उस ढोंगी बाबा के जाल में फंस गए। क्या हो गया, तुम्हारी दया भाभी किडनैप हो गई, बेचारी अब गवाही भी नहीं दे पाएंगी। चुप हो जाए डिब्बे, हम लोग कुछ भी करके बहू को ढूंढ के लाएंगे और बहू गवाही भी देगी। लेकिन गवाही देने के लिए पहले दया को छुड़ाना होगा ना बापू जी। छुड़ाने के लिए तो पुलिस ही हमारी मदद कर सकती है, कुछ कीजिए कदम साहब। अरे कहाँ है आपका भास्कर साहब? बस आ ही रहे होंगे। बस स्पेशल प्रमोशन के लिए तैयार हो जाओ तुम सब लोग, स्पेशल प्रसाद मिलेगा तुम लोगों को। आइए, अभी हो गई मेरी दया किडनैप, अभी क्या करेंगे आप? सॉरी। देखिए जेठा भाई, एक्चुअली हुआ क्या कि सब पता है हमें क्या हुआ भास्कर साहब, अभी जल्दी से मेरी दया को ढूंढिए, मुंबई की पूरी पुलिस फोर्स को काम पे लगाइए, चाहिए तो मिलिट्री बुलाइए, लेकिन मेरी दया को ढूंढिए। हाँ। देखिए जेठालाल जी, हमने पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी है, ये किडनैपर्स पुलिस से बच नहीं पाएंगे। हर बार आप यही कहते हैं और हर बार वो बच के निकल जाते हैं, अगर मेरी दया को कुछ हो गया ना तो। देखिए जेठालाल जी, दया बहन को कुछ नहीं होगा, किडनैपर सिर्फ दया बहन को गवाही देने से रोकना चाहते हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर उनका मकसद दया बहन को नुकसान पहुंचाना होता तो यही नुकसान पहुंचा सकते थे जब आप लोग बेहोश थे। हाँ जेठालाल, मेरा गणित भी यही कहता है कि किडनैपर्स दया भाभी को तकलीफ नहीं देंगे। अरे वो दया को किडनैप करके लेके गए, सबसे बड़ी तकलीफ की बात तो यही है ना भिड़े। कलयुग का रावण साधु बन के दया भाभी को उठाकर लेके चला गया। भास्कर साहब, कदम, सारे खबरियों को सचेत कर दो,
चप्पा चप्पा छान मारो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। इतनी मासूम, भोली, छोटी सी बच्ची लग रही है दया बहन। पर बॉस, इसी भोली दया बहन ने सबसे बड़े डॉन मतलब आपकी नींद उड़ा रखी थी। खैर, अब तो दया बहन गवाही देने से रही। और देखो, तुम लोग तो मेरे उसूल जानते ही हो, जब तक दया बहन इस घर में है उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके साथ इस घर में वैसे बर्ताव करो इज्जत के साथ जैसे कोई मेरी छोटी बहन हो। यस बॉस। राजा, एक अदरक वाली चाय बना के ला, तनाकेदार। यस बॉस। अब जीवन में शांति नाम की चीज आई है। हाँ, रंबा डार्लिंग। अरे सुन, एक खुशखबरी है, गुड न्यूज। अब तेरा भाई जेल जाने से बच जाएगा। हमने दया बहन को किडनैप कर लिया है। थैंक यू, थैंक यू। हाँ डार्लिंग, बाय, लव यू। अब बस शांति से गवाही वाला दिन भी बीत जाए, कोई नई मुसीबत ना आए। बस दोस्तों, हम पहुंच गए अपहरण स्थल पर। इस खबर पर नजर रखें रीटा रिपोर्टर। अब है राजू रिपोर्टर, कल तक से। अरे भाई, बंद करो भाई, हम पहले ही परेशान है और परेशानी नहीं चाहिए हमको। ये कल तक वाली, हमारी बहू का अपहरण हुआ है, इसका हमें ढिंढोरा नहीं पीटना है। ओ भाई ओ, कल तक राजू, ये बंद कर अपनी रिपोर्टिंग और ये कैमरा कैंसिल करो सबको। अरे भाई, आपकी इस रिपोर्टिंग से दया भाभी को नुकसान पहुंच सकता है, ये तो गलत बात है। एक मिनट भैया, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सिचुएशन गंभीर है, ये सब रिपोर्टिंग मत कीजिए। ओ भाई, अपना जरा कैमरा बंद रख, नहीं तो तुझे और तेरे कैमरे दोनों को फोड़ दूंगा। हाँ, हाँ। बंद कर भाई। देखिए, मैं आपको परेशान करने नहीं आया, मैं तो आपकी मदद करने आया। दया बहन का किडनैप हो गया, ये न्यूज लोग चैनल पे देखेंगे तो लोग ध्यान देंगे, चर्चा होगी, किडनैपर्स पे प्रेशर पहुंचेगा। ऐसा वो कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे दया बहन पे कोई नुकसान पहुंचता, और दया बहन को लोग न्यूज चैनल पे देखेंगे तो पहचान सकते, कहीं किसी ने देख लिया तो हो सकता है उनकी खबर हमको मिल जाए। जेठा भाई, आप भी तो अपनी बात न्यूज चैनल के जरिए किडनैपर तक पहुंचा सकते हैं, हो सकता है वो भी न्यूज देख रहे हो। जेठालाल, मेरे ख्याल से राजू रिपोर्टर की बात ठीक है, क्योंकि इस माध्यम से हम अपनी बात तो पहुंचा सकते हैं किडनैपर तक। बापू जी, हाँ ठीक है, शुरू करूँ ना? दोस्तों, गोकुलधाम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग और क्रैकिंग न्यूज के साथ मैं राजू रिपोर्टर। जिस बात का डर था वही हुआ, चड्डी गैंग वालों ने दया बहन को फिल्मी अंदाज में किडनैप कर लिया। दया बहन किडनैप हो गई और गोकुलधाम के वासी और पुलिस सोती रही। पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी गोकुलधाम के वासियों की सबसे बड़ी लापरवाही का नतीजा है दया बहन की किडनैपिंग। देखिए इस बेहाल परिवार को, देखिए एक आंधी आई और परिवार तिनके की तरह बिखर गए। देखिए इस दुखी पति, देखिए इस मासूम बच्चे। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं जेठालाल जी से, दया बहन के दुखी पति, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जेठालाल जी, ये दया बहन की किडनैप पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसे में पति की क्या क्रिया हो सकती है? शादी के साथ फेरे लेते वक्त मैंने दया को वचन दिया था कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, तो अब मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस वचन को निभाऊंगा, और आज
मैं अपने आप से भी वादा करता हूँ कि मैं दया को ढूंढ निकालूंगा। क्या बात है, पति की आवाज सुनकर होश आ रहा है दया बिल्कुल। वाह। अरे बॉस वाह क्या, ये शीला मुन्नी तुम क्या दिख रहे हो, जल्दी से बांधो इसके हाथ। नहीं नहीं आजाद रहने दो। अरे बॉस ये हमें दुनिया से आजाद कर देगी, बहुत डेंजर है, 5-6 पहलवानों को पीटा है इसने। ठीक है बांधो बांधो। जब तक दया मिल नहीं जाती तब तक ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा चैन से बैठेगा नहीं। दया बहन नमस्कार। बाबा आप किडनैप हो चुकी हैं। मतलब तुमने साधु बनकर मुझे, ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसमें बुराई क्या है दया बहन, रावण ने भी तो सीता मैया का अपहरण किया था साधु का भेष बनाकर। लेकिन अंत में रावण की हार हुई थी। रावण की हुई होगी। हाँ। राणा की हार नहीं होगी। देखना मेरे पति तुम्हारे इस लंका में से मुझे छुड़ा कर ले जाएंगे। अच्छा मुझे बताओ कैसे। राम को तो पता था कि रावण कहाँ रहता है, वहाँ हनुमान जी भी थे जो उड़ कर गए थे, यहाँ कौन है। जेठालाल को कभी भी पता नहीं चलेगा कि ये बंगला कहाँ है। माँ माता जी मदद करो, एक बार पता चल जाए कि मैं कहाँ हूँ तो टप्पू के पापा को किसी भी तरह संदेशा भेज दो। दया तू जहाँ भी है सलामत रह। टप्पू के पापा! और मेरी दया को किडनैप करने वाले चूहो अगर इस वक्त मुझे टीवी पर देख रहे हो तो कान खोल कर सुन लो, जंगल में जाकर शेर की पूंछ खींच लो तो एक बार के लिए शायद बच सकते हो, लेकिन एक आम आदमी के परिवार को सताया और आम आदमी गुस्सा हो गया तो उससे बच पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। सॉरी बॉस। और एक बात ध्यान से सुन ले गुंडे, अगर मेरी बहू को इतनी सी भी खरोच भी आई ना तो मैं तुझे लकड़ी लकड़ी से इतना मार मारूंगा कि तू लकड़ी के सहारे भी कभी चल नहीं पाएगा, समझा गुंडे। सुन लो कितना बच के बॉस, मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए। तू मेरे बेटा, मैं वार्निंग देता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अरे सुनो चड्डी गैंग वालों ध्यान से सुनो, अगर हमारी दया भाभी का बाल भी बाका हुआ तो मैं पत्रकार पोपटलाल तुम चड्डी गैंग वालों की दुनिया हिला दूंगा। जानते नहीं हो तुम लोग मुझे, मैं तुम लोगों को कैंसल कर दूंगा। एक मिनट हमारी बात सुनो, खबरदार हमारी दया भाभी को कुछ भी हुआ तो। दया भाभी ना कहीं झाला ना, पट्टी ने फोड़ कर दिया गला। धोखेबाज करता तू, सामने आ तो तेरे को बता दूं मैं, छोड़ दे नहीं धोखेबाज के दिखाऊंगा। समझता का तो दया भाभी को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे। देखा मेरे परिवार को और गोकुलधाम वासियों को, देखा देखा। हाँ देखा देखा देखा, गड़ा परिवार ही नहीं गोकुल धाम का एक एक वासी एक एक मेंबर एटम बम है, नहीं आइटम बम है। गोकुल धाम निवासी आइटम बॉम्ब है या एटम बॉम्ब ये तो डॉन राणा को वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन दो पहाड़ों के बीच में कोई रस्सी बंधी हो उस पे चलने से ज्यादा बड़ा साहस किया है डॉन राणा ने दया भाभी को किडनैप करके, क्योंकि दया भाभी के किडनैप होने के बाद अब गोकुल धाम निवासी पूरे जोश और जुनून में है और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो कुछ करेंगे जरूर। और वहां
डॉन राणा के बंगले पे दया भाभी भी चुप बैठने वाली नहीं है। दबंग दया भाभी के अपहरण के बाद अगर दया भाभी डॉन के घर में है तो वो कुछ ना कुछ कारनामा जरूर करेंगी। गवाही के दिन तक दया भाभी को घर में रखना शायद डॉन के लिए मुश्किलों का सबब बन जाए, क्योंकि इधर है दया भाभी और उधर है पूरे जोश और जुनून में गोकुल धाम के निवासी। अब क्या क्या हंगामे होंगे ये करोड़ों रुपए का सवाल है, लेकिन इसका जवाब मिलेगा कल के एपिसोड में। दोस्तों देखा आपने दया वैन को किडनैप करने वाले किडनैपर्स गोकुल धाम वासियों ने, जेठालाल जी ने, उनके परिवार ने खुला चैलेंज किया है। मैंने किडनैप हो गई। अब देखते हैं किडनैपर्स इस हालात में क्या करते हैं, जेठालाल जी क्या करते हैं, उनका बच्चा क्या करता है, उनके ससुर जी क्या करते हैं, गोकुल धाम सोसाइटी के लोग क्या करते हैं, पुलिस क्या करती है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं एक अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए कल तक। बहना किडनैप हो गई, मुझे मुंबई पहुंच जाना चाहिए था। मैंने जीजा जी को बोला था कि मुझे मुंबई आ जाना दो, लेकिन वो माने नहीं और बहना ने मुझे कसम दे दी। माता साहब अभी क्या करे, अभी तक किडनैपर का फोन नहीं आया। आया है, फोन आया, फोन आया, फोन आया, फोन आया। आ गया, सुंदर सुंदर का फोन है। अच्छा। अरे जीजा जी फोन उठाओ, ऐसे टेंशन के टाइम पे भी आप फोन नहीं उठाते हो। माता साहब ये टेंशन और टेंशन बढ़ाएगा, ये जरूर इधर आने की जिद करेगा। आप प्लीज जरा उसको समझा दो ना, अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो जीजा जी, मेरे बहना कैसे किडनैप हो गए? अरे क्या कर रहे थे आप, आपने क्या रक्षा की मेरी बहना की? सुंदर मैं जेठालाल नहीं तारक मेहता बोल रहा हूँ। मेहता साहब माय डियर जीजा जी को फोन दो। यही है सुंदर, जीजा जी तुम्हारे यही है, लेकिन जेठालाल इस वक्त बहुत गुस्से में और टेंशन में। माय डियर जीजा जी को बोलो कि टेंशन लेने से काम नहीं चलता, ठोस कदम उठाना पड़ते हैं, इसलिए मैं वहाँ आ रहा हूँ। हेलो सुंदर, सुंदर हेलो, मेरी बात सुनो। देखो तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम सारे लोग यहाँ हैं सुंदर, हम पूरा गोकुल धाम यहाँ जमा है, पुलिस भी यहाँ है, इसलिए टेंशन मत लो, हम सब लोग सिचुएशन संभाल लेंगे। मेहता साहब माय डियर बहना किडनैप हो गई है। मैंने माय डियर जीजा जी को बोला था कि मैं अहमदाबाद से 100 लोगों को लेकर मेरी बहना की रक्षा करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन माय डियर बहना की कसम ने मुझे रोक लिया, वरना ऐसी नौबत आती ही नहीं। अरे क्या किया माय डियर जीजा जी ने, अब मैं चुप नहीं बैठ सकता। नहीं नहीं सुंदर देखो समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें चुप बैठने के लिए नहीं कह रहा, भगवान से प्रार्थना करो कि मामला जल्दी सुलझ जाए और हमें शांत रह के इस सिचुएशन को समझने दो। देखो सुंदर क्या है कि तुम भावुक हो, तुम्हें गुस्सा भी जल्दी आता है, तो ऐसे में यहाँ सिचुएशन कुछ और उलझ गई सुंदर तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए देखो तुम वहीं रहो और अगर तुम्हारी जरूरत हुई तो सबसे पहले मैं तुम्हें फोन करके बुलाऊंगा। हाँ अभी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सुंदर, ओके। हेलो जेठालाल को फोन दे। जी आप कौन बोल रहे हैं? जेठालाल को फोन दो। जी जी एक एक मिनट। जेठालाल बातचीत के अंदाज से लग रहा है किडनैपर का फोन है। हेलो देखा जेठालाल, बड़ी होशियारी मार रहा था ना, तुम्हारे घर से दया बहन को किडनैप कर लिया ना। ए बाइला औरत को बेहोश करके किडनैप करने में क्या हुशियारी दिखाई तूने? जेठालाल मैं डॉन होके प्यार से बात कर रहा हूँ, गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, और तुम गड़ा परिवार बात बात पे एक्शन फिल्मों के हीरो क्यों बनने लगते हो यार? अना एक कच्ची मरुच गुस्सा ही नेरिया ना है, मेरे दया को अगर कुछ हुआ ना तो। जेठालाल डरो मत, दया बहन यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है और सही सलामत है, मेरी दया बहन से कोई दुश्मनी नहीं है, वो यहाँ मेरी छोटी बहन की तरह मेरी मेहमान बन के रहेगी और वो भी गवाही के दिन तक, उसके बाद मैं दया बहन को खुद सही सलामत घर पहुंचा के आऊंगा, बस ये मेरा वादा है। अन्याय के सामने झुकने वालों में से हम नहीं है, तुम जानते नहीं हो मेरे बाबूजी के दादाजी क्रांतिकारी थे। अरे यार कितना बोल बच्चन चाप।
टीवी पे भी यही चल रहा है। तुम समझते क्यों नहीं हो यार किसी की मेरी प्रॉब्लम भी तो समझो ना। मजबूर ये हालात उधर हैं तो मजबूर ये हालात इधर भी है मेरे भाई। तुम भी शांति रखो, हमें भी शांति से रहने दो, दया बेन भी शांति से बैठी हैं, मतलब कोई टेंशन मत लो और हमें भी मत दो। बस तुम में से कोई भी गवाही देने नहीं जाएगा। अरे यकीन करो दया बेन बिल्कुल सही सलामत है और खुश है यहाँ। मैं कैसे मान लूं? अरे यार अच्छा ठीक है, इसका प्रूफ भी भिजवा देंगे। लाइफ का एक सिंपल रूल याद रखो जेठालाल, शांति दोगे तो शांति पाओगे। ओम शांति ओम शाहरुख खान, तेरा समय समाप्त होता है अब। जॉनी, दया बहनों को तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बॉस। दया बहन, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैंने आपको किडनैप किया, पर आपको किडनैप करना मेरी मजबूरी है। पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डॉन जरूर हूं पर शैतान या हैवान नहीं हूं। हमारे यहाँ ये उसूल है कि औरतों की हमेशा बहुत इज्जत की जाती है, कभी भी उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता पूरे ग्रुप में। औरतों से मैं हमेशा दूर ही रहता हूँ। बस एक बार मैं एक औरत के नज़दीक गया था, मतलब आंखें चार हुई थी, आज तक भुगत रहा हूँ। मतलब मेरी प्रॉब्लम आप नहीं हो, मेरी प्रॉब्लम तो ये है बॉस। मैं, अरे हट परे, ये आपकी दुश्मन है? दुश्मन होती तो बीवी है मेरी। आप जिसके खिलाफ गवाही दे रहे हो ना, वो इसका भाई है, मेरा साला। तो अब भाई बहन का प्यार तो अब आपको पता ही है, ठीक गलत कुछ नहीं देखता, बस तो जान देने को तैयार हो जाते हैं। अभी आपका भी तो कोई भाई होगा ना? सुंदर वीरा। सुंदर? ये तो सुंदर भी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, बस आप गवाही मत दो, आप यहाँ बिल्कुल आराम से रहो, आप मुझे अपना भाई समझो। भाई अपनी बहन को घर पे ऐसे बांध के नहीं रखते। सॉरी दया बहन, अब आपने भी भाई बोल दिया है तो मैं आपको खोल रहा हूँ, पर प्लीज कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना। दया बहन, मैं नहीं चाहता कि हमारे घर में आपको कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाए। और यहाँ आप किडनैप नहीं हो, आप मेरी मेहमान हो, बस आप कुछ भी करो पर गवाही देने की बात मत करो। डॉन भाई, मान लीजिए मैंने गवाही नहीं दी, लेकिन आपके जीजा जी मतलब टप्पू के पापा चुप नहीं बैठेंगे, वो मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। नहीं आ पाएंगे, यहाँ का पता जीजा जेठालाल तो क्या पुलिस के पास भी नहीं है। और दया बहन, आपको कौन सा यहाँ जिंदगी भर रहना है? जैसे ही गवाही का दिन गया, हम आपको सुरक्षित घर पे छोड़ के आएंगे। चलो मैं गवाही नहीं दूंगी, लेकिन बापूजी, टप्पू, सुंदर वीरा, वो लोग तो गवाही देंगे ना? नहीं दे पाएंगे। दया बहन, जब तक आप हमारे पास हो, वो लोग कैसे कोर्ट में गवाही देंगे बताओ? हाँ, वो भी है। है ना, मतलब थोड़ा बस उसके बाद कोर्ट से मेरा साला छूट जाएगा, फिर पुलिस उसको कभी नहीं पकड़ पाएगी। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। जॉनी, यस बॉस। दया बहन के लिए खाना मंगवाओ। बढ़िया। और दया बहन सही सलामत हैं, ऐसी एक सीडी बना करके इनके घर भिजवा दो जेठालाल के पास, ताकि उनको तसल्ली हो जाए। और दया बहन, इस घर को अपना ही समझो, अब इस घर में आप आजादी से कहीं भी घूम सकती हैं। लेकिन अगर चालाकी करने की कोशिश करें
या आपके परिवार ने कोई भी होशियारी की पुलिस के साथ मिलकर गवाही देने की कोशिश की है तो फिर आपका ये भाई आपको वर्ल्ड टूर करवाएगा आउट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड मतलब संसार, संसार दुनिया, पृथ्वी। हाँ पृथ्वी। टूर मतलब घूमना, पूरे वर्ल्ड में घूमना। ये नहीं जॉनी। यस बॉस। दया बहन के लिए खाना लेकर आओ। ओके बॉस। क्या नाम है? शीला। तुम्हारा बेन? मुन्नी। मैं आपके लिए गुजराती खाना मंगाता हूँ। मैं भी आता हूँ। हसिए। अरे आपका मैसेज रिकॉर्ड करके आपके हस्बैंड के पास भेजा जाएगा। ये तेरा रिकॉर्डिंग बाद में। हाँ पहले दया बहन को खाना खाने दे। ठीक है ठीक है ठीक है। ये लीजिए आपके लिए स्पेशल गुजराती थाली। ये कहाँ से लाया? मैं कोई बंगर होटल का खाना नहीं खाऊंगी। ये क्या ऐसे वैसे होटल का खाना नहीं है? ये ऐसे वैसे होटल का खाना नहीं है, ये कृष्णा होटल की गुजराती खाली है। ये खाने के लिए कहाँ कहाँ से लोग मड आइलैंड आते हैं मालूम है? हाँ हाँ पता है, मड़की कृष्णा होटल। लेकिन आप इतनी दूर जाकर इतनी जल्दी कृष्णा होटल से खाना लेकर भी आ गए? अरे हम मड़ में ही है। मैं नहीं मानती। अरे हमारे बंगले के सामने ही है कृष्णा होटल। हाँ अरे रोड क्रॉस किए तो कृष्णा होटल। अच्छा फिर मड आइलैंड कृष्णा होटल के सामने वाला बंगला। तो अभी आप खाना खाएगी ना? अब क्या हुआ? देखिए मेरे पति बेचारे वहाँ भूखे प्यासे चिंता कर रहे होंगे, तो मैं कैसे खाना खा सकती हूँ? मुझे टप्पू के पापा को संदेशा भिजवाना है कि मैं यहाँ सलामत हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। ये राजा जल्दी से इनका मैसेज रिकॉर्ड कर ले। बोलिए। मम्मी कहाँ हो तुम? मदर सर आखिर कब तक ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? चलो जाकर ढूंढते हैं दया को। हाँ चलो। अरे कहाँ चलो सोड़ी, कहाँ ढूंढोगे दया भाभी को? अरे किडनैपर से दया भाभी को कोई गार्डन या मॉल में तो नहीं छुपाया होगा कि हम बाहर जाएंगे और हमें मिल जाएगी? सही बात है, हमें पता थोड़ी है कि दया भाभी कहाँ है। ये क्या हो गया सेठ जी? सेठानी जी किडनैप हो गई। क्या हो गया क्या? नट्टू काका मैं पूछ नहीं रहा हूँ ये क्या हो गया, दुख प्रकट कर रहा हूँ ये क्या हो गया। सेठ जी सेठानी जी कितनी अच्छी थी, भोली थी। ए भाई थी का क्या मतलब है? वो अभी भी है। काका बिहेव योरसेल्फ। थी नहीं है। हाँ सेठ जी हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? हाँ सेठ जी मैंने भी अनुभव किया है, हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। ऐसा क्यों होता है सेठ जी बताइए ना, ऐसा क्यों होता है? नहीं पता, मुझे नहीं पता। सेठ जी मुझे बड़ी चिंता हो रही है। हाँ सेठ जी मुझे भी। अबे एक मिनट, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम सारे लोग यहाँ हैं, हम सिचुएशन संभाल लेंगे। ठीक है आप लोग जाइए। थैंक यू। आप लोग जाओ, वैसे भी क्या जहाँ टेंशन हो ना वहाँ ज्यादा गिरदी नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली यू आर राइट सेठ जी। चल बागा। हाँ। अरे नट्टू काका वो तो देना ही भूल गए। क्या? डीवीडी। दे 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 दे। सेठ जी हम जब यहाँ आ रहे थे तब गेट पे एक आदमी मिला, उसने ये डीवीडी दी और आपको देने को कहा है। दे 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 दे। हाँ। सेठ जी
कौन सी मूवी मंगवाई? पिक्चर का नाम है प्रूफ। इंग्लिश पिक्चर होगी। नो बाबा, हिंदी होगी। प्रूफ द सबूत। देखिए सेठ जी, देखिए। और हाँ सेठ जी, हमारे लायक कुछ काम हो तो फोन जरूर कीजिएगा। हाँ ठीक है, करूंगा। चलते हैं, आइए ना। देखो भाई, टाइम तो कटना चाहिए ना। अरे यकीन करो, दया बहन बिल्कुल सही सलामत है और खुश है। मैं कैसे मान लूं? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका प्रूफ भी भिजवा देंगे। मुत्ता साहब, वो गुंडे ने बोला था मैं प्रूफ भेजूंगा। हाँ प्रूफ। कहीं ये चड्डी गैंग वाले ने प्रूफ तो नहीं भेजा? टप्पू जल्दी जल्दी लगा टप्पू। बापू जी, टप्पू, टप्पू के पापा। शांति रखो, सब लोग शांति रखो, बहू कुछ बोल रही है। अरे एक मिनट जरा, शांति शांति। टप्पू फिर से चालू करना। मतलब शुरू से लगा। बापू जी, टप्पू, टप्पू के पापा, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मुझे पता है आप लोग मेरी चिंता कर रहे होंगे, लेकिन प्लीज बिल्कुल चिंता मत कीजिए। डॉन भाई है ना, डॉन भाई ने मुझे अपनी बहन बनाया है। और ये गुंडे भाई बहन है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ओकड़े, कम से कम दया बहन सलामत तो है। मैं किडनैप हो गई हूँ ना, फिर भी मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मैं भाई की बहन हूँ। अरे शुक्र है वाहेगुरु जी का, देहा भाभी जी एकदम सही सलामत चंगी है। मानुष क्या है अजून? अच्छा हाँ, वो मेन बात ये थी कि टप्पू के पापा प्लीज अब बापूजी को बता देना कि टाइम पे चाय पी ले। और टप्पू बेटा, मेरी चिंता मत करना दिक्का, और खाना खा लेना टाइम पर। और टप्पू के पापा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं वो वॉशिंग मशीन का बटन चालू करके आई हूँ, तो आप प्लीज जरा बंद कर देना। यहाँ पे भी उनको वॉशिंग मशीन का टेंशन है। और वो दूध वाला है ना, उसका महीना खत्म होने वाला है, तो उसको सुबह पैसे दे देना। और भीड़े बहन को खास कहना कि नीता बहन को फोन करे, उनको एचआर का ऑर्डर है। वाले दया भाभी कमाले। कमाल है दया भाभी का। और टप्पू के पापा, मैं जानती हूँ अब मुझे बहुत याद कर रहे होंगे, मैं भी आपको बहुत याद कर रही हूँ। मैं तुझे बहुत याद कर रहा हूँ। टप्पू का कहना कि होमवर्क बराबर कर ले। और खास बात ये है कि मठ में दादा होते तो कृष्णा होटल होते तो बंगला बनाने आ रहा था। स्टॉप, टप्पू, थोड़ा रिवाइंड कर थोड़ा। क्या हुआ? एक मिनट, हाँ बस प्ले कर। और खास बात ये है कि मठ में दादा होते तो कृष्णा होटल होते तो बंगला बनाने आ रहा था। पता चल गया बापूजी, दया कहाँ पे? क्या, कैसे पता चल गया जेठालाल कि दया भाभी कहाँ है? अरे दया ने खुद ने एड्रेस बताया अभी। कहाँ? एक मिनट तक टप्पू, थोड़ा रिवाइंड कर सर। हाँ आप लेकर। और खास बात ये है कि मठ में दादा होते तो कृष्णा होटल होते तो बंगला बनाने आ रहा था। सुना? मठ आइलैंड में कृष्णा होटल के सामने बंगला बनने नहीं आ रहा, मतलब कृष्णा होटल के सामने के बंगले में इसको रखा है। क्या बात है जेठालाल, कमाल कर दिया तुमने भाई। वाह वाह, वेरी स्मार्ट है। शाबाश जेठिया। वाह जेठालाल, वाह, वेरी गुड यार, वेरी गुड यार, वाह वाह वेरी गुड, बहुत अच्छे।
गोकुलधाम निवासियों के चेहरे पे इस वक्त ऐसी खुशी है जैसी जैकपॉट मिलने पे होती है। दया भाभी की बुद्धिमता और चालाकी से पता चल गया कि दया भाभी कहाँ है, लेकिन इतना पता चलना ही काफी नहीं है। क्या पता चलने से दया भाभी छूट जाएगी? भाई प्रश्न तो बहुत सारे हैं। इस वक्त गोकुलधाम निवासियों की स्थिति ऐसी ही है जैसे सात चक्रव्यूह के बीच में अभिमन्यु फंस गया हो। अभी तो बहुत सारे चक्रव्यूह बाकी है, पहला चक्रव्यूह पार किया है, अभी तो मुकाबले बहुत होंगे और देखना यह है कि गोकुलधाम निवासी किस तरह से इस पते पे पहुंचते हैं जहां दया भाभी है, और यहां पहुंचने के लिए और डॉन से निपटने के लिए ये पुलिस की मदद लेंगे या नहीं, और अगर पुलिस की मदद नहीं लेंगे तो किस तरह से डॉन का मुकाबला करेंगे, और जब डॉन के सामने होंगे गोकुलधाम निवासी तो क्या होगा। भाई गन का ट्रिगर दब चुका है और आप जानते हैं गन का ट्रिगर दब जाए उसके बाद धमाका होना अवश्यंभावी है। स्थिति बड़ी दिलचस्प है और रोमांचक भी। अब क्या होने वाला है करोड़ों रुपए से ज्यादा बड़ा सवाल है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए कि क्या होगा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।